हेलो गाइस, दिस इज चेतन कठाने और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएन के स्टडी फैक्ट। तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन बोथ यानी एक साथ नहीं होगा और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी वो ऑलवेज डिक्लेरेटिव रहेगा। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी, इस चैप्टर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंबॉलिक्स एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा, ड्यूअलिटी, ट्रुथ टेबल और स्विचिंग सर्किट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या आता है? असर्टिव, दैट इज उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी, बाद में आता है इंपरेटिव और फिर आता है ओपन सेंटेंस। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ एग्जाम्पल देखें, विराट इज एन क्रिकेटर। विराट तो क्रिकेटर है, तो या के यस। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। विराट इज़ अ क्रिकेटर, विराट क्रिकेटर है, तो या क्या स्टेटमेंट है? हाँ, ये स्टेटमेंट है। क्या सेंटेंस होगा लेकिन कौन सा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होंगे टी। एक्सक्लेमेटरी, वाह दिस इज़ अ नाइस कार। क्या स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। क्योंकि ये सेंटेंस है लेकिन डिक्लेरेटिव नहीं है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू नॉट डिफाइंड ही रहेंगे। इंपेरेटिव क्या रहेगा? इंपेरेटिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड। प्लीज़ हेल्प मी इन द वर्क, क्या ये सेंटेंस है? है, लेकिन क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? नहीं, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएंगे क्या? नहीं, नॉट डिफाइंड ही रहेंगे। ओपन सेंटेंस में क्या? विराट इज़ द बेस्ट क्रिकेटर। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा था? विराट इज़ अ क्रिकेटर, वो क्रिकेटर है। ठीक है, वो डिक्लेरेटिव, वो डिक्लेयर है विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर। क्या वो बेस्ट क्रिकेटर है? नहीं, क्योंकि किसी लोगों, आधे लोगों को लगता है वो बेस्ट है, किसी को लगता है वो नहीं है, तो ये डिक्लेयर सेंटेंस नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ओनली सेंटेंस, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइंड होंगी इतनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या डिक्लेयर है? सन एक स्टार ही है ना? हाँ, स्टार ही है, तो इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और उसको अगर वो डिक्लेरेटिव रहा तो वो स्टेटमेंट कह लेंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यू आएंगी टी। प्लीज़ हेल्प मी, ये सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इट इज़ नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। और इट इज़ नॉट अ सेंटेंस और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट भी नहीं रहेगा, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू नॉट डिफाइंड रहेंगी। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन, सिम्बॉलिक में आते हैं कनेक्टिव और सिम्बॉल। इसको बोलते हैं कंजंक्शन एंड डिजंक्शन और कंडीशनल एरो, इफ एंड देन। बाय कंडीशनल क्या? डबल इम्प्लीकेशन, डबल एरो रहता, इफ एंड ओनली उसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ वैल्यू इन कनेक्टिव्स की ट्रूथ वैल्यू देखिए। एंड का क्या आएगा? टी एंड टी रहेगा तो टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और में क्या आऊँगा? एफ और एफ इज इक्वल टू एफ, अदरवाइज ट्रू। इम्प्लीकेशन में क्या रहेगा? टी, अगर यहाँ पे सेकेंड वैल्यू अगर फॉल्स आ रही है, सेकेंड वैल्यू अगर फॉल्स आ रही है, तो आंसर अपना आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होगा? बोथ एंट्रीज आर सेम, बोथ एंट्रीज आर सेम, देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज ऑल फॉल्स। उसके बाद आता है लॉज ऑफ निगेशन। लॉज ऑफ निगेशन में क्या रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें से फंसता ही है। तो चलिए देख लेते हैं। ये कुछ 5-6 लॉज ही है, आप एक बार ही देख लीजिए। इसमें से भी ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है, 5-5 बार आप इसको लिख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निगेशन के कुल ऑल रूल्स है। ठीक है, गुड, गुड का नॉट गुड, इक्वल टू का नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर का लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल का, ये देख लेना आप एक बार ही, चिल्लर है पूरा। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा, ओ ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये रूल्स ऑफ रूल्स, निगेशन के रूल्स आता है, फिर स्विचिंग सर्किट और ट्रूथ टेबल, ये आप एक बार ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं सीटी में। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा ये कब अप्लीकेबल रहेगा? जब पी इम्प्लाइज क्यू रहेगा, तब ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा बनेगा और अप्लीकेबल भी वहीं पर रहेगा। तो इनवर्स में क्या होगा? पुट निगेशन, यहाँ पे निगेशन, यहाँ पे भी निगेशन, ये देख लो। बाद में क्या रहेगा? कन्वर्स में क्या रहेगा? प्लेस चेंज, दोनों की प्लेस चेंज होंगी कन्वर्स में। और कॉन्ट्रा में क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा?
प्लेस चेंज और पुट इन निगेशन दोनों रहेंगे इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे सिंपल सा टॉपिक है, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टेंजेंसी। टॉटोलॉजी क्या रहेगा? ऑल ट्रू। अगर ट्रूथ टेबल में आपने सॉल्व किया है उसका आंसर आखिरी में आ रहा है ट्रू, मतलब ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, देन कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या रहेगा? लास्ट एंट्री इन द ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, देन इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। और दोनों मिक्स आ रहा है तो कॉन्टेंजेंसी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉज, लॉज में क्या रहेगा? ये कुछ आईएमपी लॉज दिए हैं, एक बार आप इसको 10-10 बार लिख के देख लीजिए, आपको हो जाएगा। इसमें से भी ये आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डीमॉर्गन्स लॉ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसलिए मतलब बहुत ही सिंपल है, और ये जो चैप्टर है वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से करके जाना, और इसका वेटेज भी काफ़ी हाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, ये थोड़ा और दो लॉज हैं। इसमें आपको हिंट दे देता हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या रहेगा? और लास्ट की बाहर की एंट्री और अंदर की एंट्री अगर सेम रहेंगी तो आंसर क्या आएगा? अंदर बाहर की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टू एलिमेंट्स आर द सेम और साइन आर डिफरेंट, इसके साइन भी डिफरेंट होना चाहिए, देन द आंसर इज आउटसाइड द एलिमेंट, ये इसकी हिंट है। और एक कंडीशनल लॉ भी है, ये तो पूरा मतलब इनवर्स है डीमॉर्गन्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए, एक बार ये सॉल्व कर लिए आपका ये लेसन पूरा डन हो जाएगा और आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल सा छोटा टॉपिक रह गया था वो देख लेते हैं। अगर सर्किट डायग्राम का एक रूल है, अगर सीरीज में रहा तो एंड का यूज़ होता है, पैरेलल में रहा तो और का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे S1 रहा तो P, S2 रहा तो Q, अगर S1 डैश रहा तो निगेशन P। ठीक है, और डैश यानी डैश का मीनिंग होता है निगेशन। ठीक है, ये याद रख लेना दोस्तों। याद रखिए, सक्सेस इज द सम ऑफ लेस एफर्ट। तो पढ़ाई करते रहे, मेरे वीडियोस आपके लिए